को सुसु बहुत जाना होता है और उनको प्यास बहुत लगती है को सुसु बहुत जाना होता है और उनको प्यास बहुत लगती है एंड आई वाज लाइक डैडी व्हाट आर यू डूइंग या यू थिंक दिस इज ट्रू आपको लगता है कि ये सब होता है ना इट्स नॉट ओके तो कुमकुम भाग्य को 9 साल पूरे हो गए जितनी आई थिंक इसकी उम्र भी नहीं है बट 9 साल पहले मैं स्कूल में था अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था 9 साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छी बड़ी लेगेसी का पार्ट मिलने का मौका मिलेगा 9 साल पहले जब कुमकुम भाग्य शुरू हुआ था तो मेरी दादी जो है वो कुमकुम भाग्य देख रही थी और मैं उनके पास गया और मैंने अभी प्रज्ञा का पहला सीन देखा जब वो पानी से बाहर निकालते उनको And I was like, Daddy, what are you doing? Yeah, you think this is true? आपको लगता है कि ये सब होता है? Nah, it's not. And cut to, after a few years, I am a part of this journey. And the guy who was saving Pragya is now chief for me. And the girl who was being saved is now mother-in-law for me. So yes, the journey is great. It's amazing. 9 साल बहुत ही यादगार हैं, बहुत प्यारे हैं. हालांकि 9 साल में से 4 साल था मैं और बाकी के जो साल थे जितने भी हैं वो हमेशा अभिप्रज्ञा के नाम रहेंगे आगे अगर हम 9 के 19 साल भी हो जाएं तो वो भी अभिप्रज्ञा के नाम रहेंगे एवरी थिंग दैट देव डन फॉर अस इज ग्रेट एवरी थिंग देव डन फॉर द स्क्रीन इज ग्रेट फॉर द ऑडियंस इज ग्रेट एवरी थिंग देव डन फॉर ईच अदर इज अमेजिंग इट्स जस्ट मैजिकल इट्स अमेजिंग मतलब देर इज़ नथिंग बेटर और नो वेयर बेटर दैट आई कैन बी एट और ये अक्सर सिर्फ मैं नहीं कहता ये सब ये मानते हैं जितने भी लोग कुमकुम भाग्य के सेट पे आते हैं कि जितनी मोहब्बत और प्यार और जितना जितना अपनापन यहाँ है वो कहीं नहीं है वो इसलिए है क्योंकि हमें भी उतना ही अपनापन मिला था अभी प्रज्ञा से जितना हम आगे बांटने की कोशिश करते हैं सो यस दैट्स हाउ इट इज़ माई अमेजिंग जर्नी विद कुमकुम भाग्य See, I think, yes, it is an emotional love for the audience and I think audience connects to it a lot. Jo ki bahut hi, it's very lucky for us to be a part of something that is so deep-rooted with the audience. And yes, I also feel ki we've been really lucky. I'm glad that hum aisa connect kar paate. And I think jo bhi cheez agar tum thodi si, aajkal ke log bahut smart hain. तो लोग सिर्फ उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं जो चीज़ रियल है रियल और अनरियल में फ़र्क बहुत जल्दी लोग पहचान लेते हैं आजकल सो आई एम रियली ग्लैड कि पीपल आर सीइंग व्हाट्स रियल एंड पीपल आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अ रियल इमोशन व्हिच इज़ ग्रेट सो या दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आप सबका शुक्रिया कि आप सबने इतना प्यार दिया इतनी मोहब्बत दी थैंक यू सो मच आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है बताओ आपके साथ मेरे साथ आपके साथ ही तो हो रहा है सब कुछ आपके लिए तो सब कर रहे हैं हम भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं घूम रहे हैं आपको क्या हुआ आपके अभी साथ अभी मुझे मेरा सीन आ रहा है किडनैपिंग का तो किडनैपिंग में मतलब सब मुझे मतलब रिया दीदी अक्षय भैया सब मुझे बचाने आ रहे हैं सब इतनी धरवा खून सो ये हो रहा है अभी तो नेक्स्ट सीन जब किडनैपिंग का हो जाएगा तो मैं प्राची दी के पास जाऊंगी वो अभी डिसाइड नहीं किया हमने वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन किसके पास जाएगा इसको मैं जाने नहीं दूंगा कहीं पे मैं प्रणबीर के फैंस के लिए कहना चाहूँगा कि हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं अक्सर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं डिलीवर कर पाते आपको ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ आपको शायद अच्छी नहीं लगती हमें माफ़ करने के लिए शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए शुक्रिया अपना बड़प्पन रखने के लिए शुक्रिया हम उतार चढ़ाव के बाद भी प्यार बरकरार रखने के लिए शुक्रिया और आशा करूँगा कि आप ऐसे ही प्यार हमें देते रहें आशा करूँगा कि हम आपको ऐसे ही खुश करते रहें आशा करूँगा कि हम आपको कभी शिकायत का मौका ना दें बाकी या लेट्स सी थैंक यू सो मच और मेरे बहुत सारे फैंस हैं लेकिन एक ना मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं उसका नाम आमना है तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं लाइक इट सो क्यूट और उसने मुझे ये भी भेजे हैं क्या भेजा दिखाओ वाओ सो क्यूट बोल थैंक यू सब इसको बोल रहे हैं कि मैं गले में पहनूं मत पहनना दब जाएगा थैंक यू आमना सो मच
नहीं, बहुत बहुत अंतर है। जब 4 साल पहले हमने शुरुआत करी थी तो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं समझते थे, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो टेक्निकली जो जिसमें मैं कमज़ोर था। और मैं जब आया था तो मुझे एक्टिंग शायद आती ही नहीं थी। आई जस्ट गॉट लकी एंड आई वाज हियर एंड आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय सराउंडिंग्स। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे भी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है छोटी बच्ची से। एंड बाकी फीलिंग जो है वो बदली नहीं है, फीलिंग वैसी ही है। हम अभी प्रज्ञा को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम चाहते हैं कि वो कुछ भी करके, मतलब वो वापस आ जाएँ या हम उनके पास आ जाएँ या हम बस साथ में रहें। सो इट्स जस्ट वन वॉइड इन आर हार्ट वेयर वी मिस अभी प्रज्ञा अलॉट। आई मिस देम अलॉट। बाकी देयर इज नथिंग दैट हैज चेंज्ड, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी सिमिलर। हम आज भी उतना ही खाना खाते हैं, हम आज भी उतना ही मज़े करते हैं। जब उस बारे में बात करेंगे तब बताएंगे ना। मुझे लगता था बच्चों के साथ शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बच्चे शायद ढंग से शायद लाइन ना बोल पाएँ या कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ या उनको सुसु बहुत जाना होता है और उनको प्यास बहुत लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें होने वाली है काफ़ी, बट आई वॉज़ वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड। बट सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली एंड लकीली ये जो छोटी बच्ची है हमारे साथ में त्रिशा, ये बच्चों वाली कोई हरकत नहीं करती है। ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, ये इतनी प्रोफेशनल है, ये इतनी प्यारी है कि इसके साथ एक्टिंग करके बहुत मज़ा आता है। एंड सम पीपल आर जस्ट नेचुरली वेरी टैलेंटेड। आप इसके सीन्स भी देखते होंगे तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि शी इज़ जस्ट नेचुरली वेरी गुड। मतलब शी डजंट नीड टू लर्न सो मच। मतलब लोग अक्सर बच्चों को बताते हैं ये लाइन ऐसे बोलो, वो लाइन वैसे बोलो, बट ये अपने ही तरीके से, अपने ही स्टाइल से, अपने ही अंदाज से चीज़ें करती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। कभी इसने कोई भी ऐसे फालतू का टेंट्रम या कभी ऐसे सब ये सब कभी नहीं किया इसने। ये बहुत ही वेल डिसिप्लिन बच्ची है एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर मदर। इनकी मम्मी हमेशा साथ में रहती है, इनको इनका ध्यान रखती है और उनको सिखाती रहती है। इट्स अ फैबुलस, आई थिंक शी हैज़ स्पॉइल्ड मी एज एन एक्टर फॉर किड्स। अब जब मैं किसी बच्चे से मिलूंगा शायद मैं उतनी ही उम्मीदें रखूंगा, उतनी ही अच्छाई की उम्मीद रखूंगा जितनी अच्छाई मुझे त्रिशा में दिखी है। दैट्स माई एक्सपीरियंस विद हर। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे दोनों ही अच्छे लगता है। और काम करके कैसा लगता है, मज़ा आता है 12 घंटे काम करके? अरे मुझे तो, मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक दिन, मैं ना पूरा एक दिन जग सकती हूँ, जग सकती हूँ मैं एक दिन, क्योंकि मेरा एक ऐड था, मेरे दो ऐड थे जिसमें मुझे एक पूरे दिन जगना था। तो अब मेरी आदत बन गई है पूरे एक दिन जगने के लिए, शूट करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं शूट कर लूँ पूरा। सो इनोसेंट, जब एक के 6 दिन होंगे ना फिर खुद बोलेगी कि एक दिन सोना चाहती हूँ मैं, एक दिन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।